एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज हुआ एक और केस। रिपोर्ट्स के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ दर्ज कर लिया है एक केस। सोर्सेस की माने तो रिया के लीक हुए अलेजेड बैंड सब्सटेंस के चैट के बाद एनसीबी ने ये बड़ा डिसीजन लिया है और रिपोर्टेडली अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया के ब्लड सैंपल को लेकर फाइंड आउट कर सकती है वेदर शी यूज्ड एनी बैंड सब्सटेंस और नॉट। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक द केस हैज बीन फाइल्ड अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट एंड नाउ एनसीबी ऑफिशियल्स विल इन्वेस्टिगेट द लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स ऑफ द एक्ट्रेस दैट हिंट्स एट इलीगल ड्रग यूजेज। वेल, सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ईडी और सीबीआई के बाद थर्ड एजेंसी है जो इसे इन्वेस्टिगेट करेगी और रिपोर्टेडली अब एजेंसीज की नजर एक हिस्ट्री शीटर पर भी है जो अलेजेडली बॉलीवुड सेलेब्स को ड्रग्स सप्लाई करता है। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इसी डेवलपमेंट पर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी है और बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स को रिवील करने का दावा किया है। कंगना रनौत का कहना है कि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, आई एम मोर देन विलिंग टू हेल्प एट नारकोटिक्स ब्यूरो बट आई नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई हैव नॉट ओनली रिस्क्ड माई करियर बट ऑल्सो माई लाइफ। इट इज क्वाइट एविडेंट सुशांत न्यू सम डर्टी सीक्रेट्स, दैट्स व्हाई ही हैज बीन किल्ड। वहीं कंगना रनौत की गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की डिमांड को सपोर्ट करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया और कहा, रिक्वेस्टिंग एट पीएमओ इंडिया एट नरेंद्र मोदी टू लुक इनटू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर कंगना एट कंगना टीम सो दैट शी कैन हेल्प विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एट नारकोटिक्स ब्यूरो। दूसरी तरफ इस केस में एक अपडेट ये भी आई है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर सैमुअल मिरांडा से उनके फाइनेंशियल डिटेल्स की जानकारी मांगी थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस से लगभग एक महीने पहले रिया को एक पीडीएफ फाइल भेजी थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स के डिटेल्स थे। इन खुलासों पर रिएक्ट करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने कहा, नैरेटिव अपीयर्स टू बी वेरी वेरी क्लियर नाउ। इनफैक्ट दैट इज व्हाट हैज बीन सेड इन द एफआईआर एंड विद ऑल दीज एक्सपोजेस यू आर ओनली प्रूविंग व्हाटएवर हैज बीन यू नो अलेज्ड बाय द फैमिली। द नैरेटिव इज वेरी क्लियर दैट शी वांटेड टू एंटर हिज लाइफ, शी वांटेड टू डिसेबल एवरीबॉडी एल्स। So whoever was close to him, whoever was managing his business, whoever was, you know, helping him in his accounts, that was the first person to be attacked, which is Priyanka. Then she actually knew that Sushant is a little gullible. So she took full advantage of that and slowly, slowly got into his life, took over all his finances, took over his household, took over all his servants, changed all the servants, the bodyguard, everybody. And then to control him, started, you know, giving him drugs, which he was not used to. And obviously, he had no idea about it because it was being given to him clandestinely, surreptitiously, without his knowledge and without his consent. And that way, she could, you know, control his mind. And when all this was at its peak, the sisters were coming. So she wanted to, that's why the four letter word, she wanted that the sisters should not be able to convince him to get back to normalcy. Now that's very, very important, Navika. The moment he used to be with his sisters, he used to slowly start turning normal. And that is why when Sushant came to Rani in Panchkula, in 48 hours, and mind you, he drove all the way from Mumbai, he was so desperate. He drove all the way from Mumbai and he came to Rani, and within 48 hours she made 25 calls to him and ensured that he left as soon as possible because she didn't want that four letter word to happen to him. That means that he should get back to normalcy. She wanted to get him back as soon as possible. Well, ye allegations hain kafi zyada serious. Ab Riya ke khilaf file hue naye case aur un par lage allegations par unki legal team kis tarah se react karti hai, iske liye thoda intezar karna hoga.